नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज के एपिसोड के माध्यम से जानते हैं हम सभी को आदत होती है अपने शरीर के किसी अंग को हर वक्त छूते रहते हैं, पर कुछ ऐसे हमारे शरीर के अंग होते हैं जिनको बार बार नहीं छूना चाहिए, नहीं तो शरीर के अंगों को छूते रहने से आपको हानिकारक बैक्टीरियाज का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से इसी बारे में। बैक्टीरिया इस दुनिया में हर जगह और हर समय मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि हमारे और आपके शरीर और कपड़ों पर भी ये मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हमें ये अपने दुश्मन लगते हैं, मगर आपको बता दें कि ऐसे कई बैक्टीरिया हैं जो आपको स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, उनका होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि हमारे शरीर में ऐसे कई अंग हैं जहाँ पर बैक्टीरिया की संख्या आम अंगों से बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप आदतवश या भूलवश इन अंगों को बार बार छूते हैं तो इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि किन किन अंगों को आपको बार बार नहीं छूना है। सबसे पहले तो उंगलियों में बैक्टीरिया। जी हाँ, अपने ज़्यादातर कामों के लिए हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमारी उंगलियों और हथेलियों में ढेर सारे हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं। इन्हीं उंगलियों से जब आप अपनी आँखों को छूते हैं तो आँखों में ये हानिकारक बैक्टीरिया चले जाते हैं। कई बार ये बैक्टीरिया आँखों में खुजली और आँखों से पानी निकलने का कारण बनते हैं, या इनकी वजह से आँखों में बिलनी की समस्या हो सकती है, इसीलिए इससे हमें बचना चाहिए। इसके अलावा मुहासों में बैक्टीरिया। जी हाँ, चेहरे पर अगर मुहासे हो जाएं तो शुरू में बार बार आपका हाथ और आपका दिमाग उसी जगह पर चला जाता है और बार बार इन मुहासों को छूते रहते हैं। मुहासों के कारण या हानिकारक बैक्टीरिया इसके होते हैं इसमें, जो बार बार जब आप मुहासों को छूते हैं तो इससे मुहासों के बैक्टीरिया चेहरे एवं अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं और वहाँ भी मुहासे होने का खतरा हो जाता है आपको। इसके अलावा अगर आपको यूं ही बार बार अपना चेहरा छूने की आदत है तो आपको मुहासों का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उंगलियों में लगे हुए बैक्टीरिया चेहरे की त्वचा में चले जाते हैं और मुहासे पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मुंह में बैक्टीरिया। जी हाँ, अक्सर कई बार लोग खाना खाने के बाद फंसे हुए खाने के टुकड़ों को निकालने के लिए, या यूं कहें कि अपने मुंह में हाथ डालते रहते हैं या होंठों को बार बार छूते रहते हैं। आपकी इस आदत से आपके हाथों पर मौजूद बैक्टीरिया आपके मुंह में चले जाते हैं और मुंह में मौजूद बैक्टीरिया आपके हाथों पर लग जाते हैं। बैक्टीरिया का ये एक्सचेंज आपके मुंह के लिए घातक हो सकता है और इससे सांसों की बदबू, दांतों का दर्द और दांतों में सड़न जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसीलिए इससे भी बचना चाहिए। इसके अलावा नाक में उंगली डालना। जी हाँ, नाक के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं। जब आप नाक में उंगली डालते हैं तो इससे आपके नाक में मौजूद बैक्टीरिया आपके हाथों में लग जाते हैं और हाथों में लगे बैक्टीरिया आपके नाक में चले जाते हैं। नाक के जरिए यही बैक्टीरिया सांस के सहारे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा नाक में लगे बैक्टीरिया भी आपको बीमार बना सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए जब कभी भी आपका हाथ आपके नाक तक जाए तो साबुन से अपने हाथ जरूर धोएं, ये ध्यान रखें। इसके अलावा नाखूनों में बैक्टीरिया होते हैं। जी हाँ, नाखूनों के अंदरूनी हिस्से में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको नाखून न बढ़ने की सलाह देते हैं और गीला खाना हाथ से खाने के लिए मना करते हैं। नाखूनों में मौजूद ये हानिकारक बैक्टीरिया पेट और पाचन संबंधी कई गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं, इसीलिए नाखूनों को मुंह में नहीं भरना चाहिए और खाना बनाने या फिर खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार नाखून जरूर काट लेना चाहिए। तो आप सभी के लिए ये आज का एपिसोड रहा। ऐसी अन्य जानकारियां आप सभी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारी सबसे पहले मिले, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिए ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में अब आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।